निसफ सदी से भी ज्यादा अपनी मधुर आवाज से लोगों के कानों में रस खोलने वाले ये हैं उस्ताद फतेह अली खान। जी हाँ, पटियाला घराने के इस चश्मो चिराग ने क्लासिकी मौसीकी से अपने खानदान की वाबस्ती को खूब निभाया। माजी में हर खासो आम उस्ताद फतेह अली खान के फन से खूब महसूस हुआ, यहाँ तक के हाथ में वक्त भी इनकी जादुई आवाज की दाद दिए बगैर न रह सके। बदले में अवार्ड्स तो बहुत मिले लेकिन अवार्ड से पेट नहीं भरता। उन्होंने कहा कि जी हम आपके महावार लगाना चाहते हैं। मैंने चलो ठीक है, मेहरबानी करो, तो 3,000 रुपया जनाब। ये मैं बतलाते हुए बहुत शर्म आती है मुझे। क्लासिकी मौसीकी का ये अजीम फनकार गुज़िश्ता 10 बरस से हुक्मरानों के शहर इस्लामाबाद में किराए के मकान में रिहाइश पजीर है। बुढ़ापा और गिरती हुई सेहत के बायस फन से तो रिश्ता छूट ही रहा है, लेकिन साथ ही जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखना भी मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में नम आँखों के साथ वो किसी मसीहा के मुंतजिर है। पटियाला घराने का ये फर्जंद मौसीकी के मुस्तकबिल से बहुत मायूस है। कहते हैं जिस तरह फन की नाकदरी की जा रही है, मौसीकी अपनी मौत आप मर जाएगी। ये ऐसे करते रहे तो ये फन यहाँ लोगों का ये सुनेंगे, इंडिया सुनेंगे, उधर सुनेंगे, बांग्लादेश को सुनेंगे, क्योंकि इनके पास तो नहीं रहे। दुनिया से चले जाने वालों को खिराज अकीदत पेश करने की रीत हमारे यहाँ सदियों पुरानी है, लेकिन इस रविश को न बदला गया तो उस्ताद फतेह अली खान और उनसे वाबस्ता फन माजी के औराक में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ आतिफ खान, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद।